आम आदमी पार्टी में लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान वर्करों के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के बागी नेता सुखपाल सिंह खेरा ने गुरदासपुर में रैली करके वर्करों को अपने हक में जुटा लिया है। रैली में हजारों की तादाद में वर्करों ने हिस्सा लिया। वहीं रैली में पहुंचे सुखपाल सिंह खेरा ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान, 1984 में हुए सिख कतलेआम में कांग्रेस पार्टी का कोई हाथ नहीं होने पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ये बयान देकर पंजाब की जनता के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि दोषी कौन है। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें विदेशों में जाकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा गुरबानी के शब्दों को गलत ढंग से बोलने पर कहा कि पहले खेमकरन के विधायक करदास को गलत ढंग से पढ़े जाना और अब एक कैबिनेट मंत्री होकर ऐसे बानी की तुक्कों को बदलना निंदनीय है। उन्होंने रंधावा को नसीहत देते हुए कहा अगर वह बानी सही नहीं बोल सकते तो सादी भाषा में लोगों को अपनी बात समझाएं। वहीं जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, 600 पन्नों की रिपोर्ट है और उस पर बहस करने के लिए सिर्फ एक दिन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इतने बड़े विवादित मामले को लेकर सिर्फ एक दिन की बहस नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए एक हफ्ते का टाइम चाहिए। खेरा ने आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ही हमारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो ये उनकी मर्जी है। वहीं रैली के दौरान भगवंत मान पर भी सुखपाल सिंह खेरा ने जमकर प्रहार किए। देखो अज साडी इह तीसरा जिला पदरी कॉन्फ्रेंस है जी गुरदासपुर विखे, जो असी बठिंडे च मते पास किए सी लोगों के सहयोग के नाल और एक आम आदमी पार्टी नू मजबूत करन दा जड़ा झंडा चुकिया सी प्रण कीता सी। वाहेगुरु की कृपा के नाल बठिंडे तो लैके अज तक सानू बहुत लोगों का सहयोग मिलिया। कोई तो एवं एक मजाक करने वाली गल है, सारी दुनिया नू पता वा कि बहुत दुखदाई गल है कि 34 साल बाद भी सिख कतलेआम का इंसाफ नहीं मिलिया और ये कुछ लोग इस नू दंगे कह के पेश करते हैं। दंगे नहीं सके, दंगे होंगे जो दो फिरकियां दे विच आपस लड़ाई हो गए। ये तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड सी और निहत्ते लोगों उन्हां दे गलां च टायर पा के औरतां नाल बलात्कार किया गया और दुखदाई गल सी कि देश की राजधानी पुलिस फौज की नक दे थले किया गया। इसलिए अगर राहुल जी इस तरह की गल कहिंदे दैट इज़ नॉट फेयर। हाँ ये गल जरूर है कि उन्होंने स्वीकार करके लोगों के भावनावां मरहम ला के माफ़ी मंगनी चाहिए आ और ये जिहड़ा जुडिशल प्रोसैस आ इहनू बहुत तेज़ी नाल लोगों नू इंसाफ देना क्योंकि 34 साल बाद इंसाफ ना मिलना वो कहिंदे ने कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मैं ये समझदा कि ये जिहड़ा कतलेआम सी सिखां दा सारे देश विच होया ये भारत दे जमहूरीयत दे काला धब्बा वा, चाहे वह बीजेपी सरकार चलावे कोई या कोई जनता पार्टी चलावे या कांग्रेस चलावे, जद तक इत्थे इंसाफ नहीं होवेगा ये काला धब्बा भारत के जमहूरी ढांचे के उत्ते लगा रहेगा। इसलिए उन्हों का यह बयान मैं नहीं इस नाल बिल्कुल भी सहमत और उन्होंने बाहर विदेशों में जाके इस तरह की गल्लां नहीं करनी चाहिए। गलत गल है जी बिल्कुल, चाहे वह उदन अरदास गलत पढ़ी गई है, मर्यादा भंग की गई है बलटोहे के खेमकरन के एमएलए वालों या गुरबाणी दीआं गल्लां एक मंत्री हो के मिनिस्टर हो के उन्होंने गलत नहीं पढ़ना चाहिए। ये दोनों चंगा तुसी ना बोलो, तुसी सादियां गल्लां सादी जुबान में लोगों की गल समझाओ क्योंकि अगे ही गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नूं लैके लोगों के काफ़ी जज्बात भड़के हुए हैं और असी ये यतन करिए कि आओ आपां इस सारी जिहड़ी है पंजाब की एक सांझी वालता है पीस ते हारमोनी नूं मेनटेन किया जाए। धर्म के मुतलक नहीं इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बड़ा ही अफसोस आ कि एड्डी वड्डी रिपोर्ट आई, शायद 4 वॉल्यूम्स में आ, 600 सफ़े की रिपोर्ट है और मैंबर्स नूं कहिंदे ने कि असी सोमवार टेबल करांगे, यानी कि एक दिन सिर्फ मिलेगा सानू उहदे ते बहस करन लई। सोमवार ते मंगलवार दो दिन सैशन रह गया वा, हुण तुसीं दसो मैनूं 600 सफ़े की रिपोर्ट, कोई MLAs जिहड़े ने कोई कंप्यूटर्स तां है नहीं कि उहनां दे एक वारी तुसीं ज़हन चों कढ़ता ते उह स्कैन हो गई रिपोर्ट। ये बहुत अनफेयर सीगा। रिपोर्ट देण तों बाद घट्टो घट एक हफ्ते की बहस का समा होना चाहिए सी। 117 मैंबर्स ने सारयां दे जज्बात ने अपने, क्योंकि दो पक्ष ने इहदे च, एक तां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई बुरज जवाहर सिंह वाले तो लैके मलके पिंड तो लैके या होरना पिंडां दे विच, दूजा पक्ष है जिहड़ा बहवल कलां गोलीकांड होया उहदे च दो सिख नौजवान मारे गए ने। अज भी अक्टूबर 2015 की गल आ ते 3 साल बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिलिया और पुलिस बादलां ने पुलिस वालों दोषियों बचाया
FIR अणपछाते बंदियां दे खिलाफ नामजद की। उही पॉलिसी तकरीबन वोट बैंक पॉलिटिक्स की कैप्टन अमरिंदर सिंह परसू कर रहे हैं। ना इन्होंने लॉजिकल कंकलूजन ताई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मसला बचाया, ना इन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ बनती कार्रवाई की। हालांकि जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्न ने सारे तत्थ सामने ले आते हैं और सैशन एक कोझा मजाक है। गुरु ग्रंथ साहब की एडे वे विवादित इशू नू लेके एक दिन तो बहस की हो सकती है। और इस तो अलावा जिहड़े पंजाब दे लोकां दे बाकी मसले ने, चाहे वह नशे ने, चाहे वह बेरोजगारी है, चाहे करप्शन है, चाहे खेतां ते खेत मजदूर ते किसानां दे आत्महत्यावां वा, दलित गरीब बच्चों एडमिशन नहीं दित्तियां जा रही प्राइवेट कॉलेजेस विच, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक जिहड़ी स्कॉलरशिप स्कीम सी मिसयूज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पहला अकालिया ने की फिर हुण कांग्रेस ने। ये सारे मसले किदां हो जाएंगे डिबेट एक दिन विच, छे महीनों बाद केवल एक दिन का सैशन? इसलिए ये बहुत गलत गल है और इस चाहते कि यह सैशन घट्टो घट एक हफ्ते का होर हो। गुरदासपुर से जागृति लहर के लिए विक्की मलिक की रिपोर्ट।